Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G science, we are on the chapter 11th, the human eye. Today we discuss the remaining keywords of this chapter. In the previous lecture we discuss half of the keywords. Today we discuss the next. And the next keyword is iris, a dark colored muscular diaphragm which control and regulates the amount of light enter the eye. आँख के अंदर जो रोशनी जाती है उसको जो मस्कुलर डायफ्राम कंट्रोल करता है. इट इज ऑल्सो बाय एडजस्टिंग साइज ऑफ द प्यूपिल. यह किसके द्वारा? प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करके भी किया जा सकता है. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन. वो कम से कम दूरी जिसमें कोई ऑब्जेक्ट जिससे हम क्या है किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से बिना किसी दबाव के देख सकें, वो कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट इज मायोपिया, द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट इजली. पास वो इफेक्ट जिसमें क्या है कोई पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली ना देख सके जबकि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देख सके, उसको बोलते हैं मायोपिया. ऑप्टिक नर्व, द नर्व विच ट्रांसमिट द इमेज फॉर्म्ड और विजुअल इन्फॉर्मेशन ऑन द रेटिना ऑन द टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. जो नर्व ट्रांसमिट करती है इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन, ब्रेन के ऊपर जो इमेज बनती है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में उसको ब्रेन की तरफ ट्रांसफर करती है, वो कहलाती है ऑप्टिक नर्व. नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू कंटिन्यू टू सी द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम द व्यू. आँख की वो एबिलिटी जिसमें क्या है वो इमेज हमारी बनी रहती है जबकि वो ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने है वो सामने से हट जाए तो भी कुछ समय तक आँख की इमेज जो है वो बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ द विजन. नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, द स्पेशल एबिलिटी ऑफ आई, द सिलेरी मसल्स ऑफ द आई चेंज द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस टू फोकस डिस्टेंस एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना. आँख की वो क्षमता जिसमें सिलेरी मसल्स जो हैं वो फोकल लेंथ को चेंज कर देती हैं फोकस के लिए रेटिना पर, जिससे कि रेटिना पर क्लियर इमेज बन सके दूर की या पास जहाँ भी ऑब्जेक्ट हो उस हिसाब से. नेक्स्ट इज प्यूपिल, द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आयरिस, ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आयरिस, ये आयरिस की सेंटर में वो ओपनिंग है. इट अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, इसके ऊपर से कोई भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं की जा सकती. रेटिना, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ह्यूमन आई की जिसके ऊपर की इमेज फॉर्म होती है. इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ द फोटो सेंसिटिव सेल्स कॉल द रोड्स एंड द कॉन्स, इसमें दो तरह के फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको रोड्स और कॉन्स बोला जाता है. एंड द लास्ट वन इज रोड्स, रोड सेल्स, द रोड शेप्ड सेल प्रेजेंट ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, ये रोड शेप्ड सेल्स होते हैं रेटिना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन आई के,
दे आर सेंसिटिव टू अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन द रेटिना. ये सेंसिटिव होते हैं लाइट एनर्जी जो रेटिना पर पड़ती है. दे कैन फंक्शन इवन इन क्वाइट डिम लाइट. ये डिम लाइट में भी अपना कार्य करते हैं. नाउ वी हैव द पार्ट ए बी सी. द पार्ट ए द फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर. ओके द फर्स्ट वन इज डैश ऑफ द ह्यूमन आई डिटरमाइंस द कलर ऑफ द पर्सन्स आई. तो फर्स्ट में आएगा आयरिस. सेकेंड इज द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड. जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है ह्यूमन आई की उसको बोलते हैं रेटिना. सेकेंड में आएगा रेटिना. थर्ड इज द कोन शेप्ड सेल ऑन द रेटिना रिस्पोंड टू द ब्राइट लाइट. थर्ड में आएगा ब्राइट लाइट. द डिफेक्ट ऑफ द विजन इन विच आई बाल बिकम स्मॉलर देन इट्स नॉर्मल साइज इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया. फोर्थ में आएगा हाइपरमेट्रोपिया. फिफ्थ जो है ए डैश ए कनकेव और कन्वेक्स और कनकेव. फर्स्ट में आएगा कन्वेक्स. इन द फर्स्ट देर इज कन्वेक्स. यहाँ पे इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया एंड कनकेव. कनकेव लेंस इज यूज फॉर करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिया. यहाँ कनकेव पहले वाले में कन्वेक्स. पार्ट बी टिक द करेक्ट आंसर. चेंज द फोकल लेंथ. द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द वेरिंग डिस्टेंट इज डन बाय द एक्शन सिलेरी मसल्स. क्या आएगा सिलेरी मसल्स. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. द इम्प्रेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई रिमेन्स फॉर अबाउट. कितनी देर तक इम्प्रेशन रहता है. तो इसमें आएगा 1/16 सेकेंड. द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंट बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. दिस एबिलिटी ऑफ द आई इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन. क्या आएगा आंसर पावर ऑफ अकोमोडेशन. नेक्स्ट इज द नियर साइटेड पर्सन विल फेस डिफिकल्टी वाइल रीडिंग. तो इसमें आएगा हमारा ए स्ट्रीट साइन बोर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट. ये दिस वन इज ए स्ट्रीट साइन बोर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट. नेक्स्ट इज द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच द आई लेंस ऑफ ए पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्ट इन ब्लर्ड विजन इज कॉल्ड. तो आएगा कैटरैक्ट. इसमें आएगा कैटरैक्ट. द ब्रेल सिस्टम ऑफ द विजुअली चैलेंज पर्सन इज विजुअल एड. क्या आएगा इसमें विजुअल एड. तो आज हम ये पार्ट ए बी लास्ट इज पार्ट सी. अभी पास पार्ट सी रहता है हमारा ट्रू फॉल्स. इन द पार्ट सी फर्स्ट वन इज आयरिस इज द मस्कुलर असेंबली दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल. यस दिस इज ट्रू. सेकंड इज द आई लेंस फॉर्म्ड ए वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड एज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना. दैट इज फॉल्स. रेटिना ऑफ ह्यूमन आई हैज ए लार्ज नंबर ऑफ कोन शेप्ड एंड रोड शेप्ड सेल्स. द रोड रिस्पोंड इवन इन द डिम लाइट. यस दिस इज ट्रू. सिनेमेटोग्राफी मेक्स यूज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द विजन ऑफ द ह्यूमन आई. यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द रेंज ऑफ विजन ऑफ इज फ्रॉम नियरली 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. यस दिस ऑल्सो ट्रू. दिस वन इज ट्रू. मायोपिया is caused due to excessive curvature of the cornea. This also true. ये भी क्या है true है. Okay, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. ये जो आपको पार्ट ए बी सी करवाए गए हैं इनको आप बुक में अपने फिलअप करेंगे और लर्न करेंगे. दैट्स योर होमवर्क टुडे. ओके बी एट होम बी सेफ. थैंक यू सो मच.